मेरे को केक घुमाने को ले जाओ रे। अब और कौन किधर गई जो तो काला लक्ষ্মী থাকে 12 মাস বুঝছো খালাই দলাই গৃহবাস লক্ষ্মী থাকে 12 মাস এই নতুন একটা ডায়লগ কি লিখছ না জব তো দেখবা আমার জব কইলা মর্নিং एवरीवन कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक है और लिव सिंपल विद संजीता चैनल के और एक नए ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक है। तो आज है संक्रांति तो हम सबका नहाना हो गया है और आज तो पूरा वेज खाएंगे। सुबह को मैंने बनाया था आलू और स्क्वाश का एक सब्जी, इन्होंने उसी सब्जी से चावल खाया और उसी सब्जी से हम लोगों ने खाया पूरी। और भाई आया है आज टूट से तो वो खा रहा है अभी। तो यहाँ पे है मेरे चंगू मंगू, ये दोनों भाई को नहीं मारते ठीक है। आज आटा मास खाते हैं ना, तो हमारे घर में सब्जी है पर इतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ कि सब्जी लाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। दो तीन दिन से कुछ ब्लॉग नहीं बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे खाया है पान, दादी ने बना के दिया है। दादी का बनाया हुआ पान बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। सो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, निकलते हैं और आने के बाद फिर से मुझे खाना भी बनाना है। আর কিছু খাওয়ার নেই নাকি? না पे मैंने बिठाया है दाल, आज लेकिन ये बनेगा दाल वेज और करेला है वो मम्मी काट के देंगे, वो फ्राई करूंगी। आज तो हम लोग ये खाते हैं मतलब सिलेटी लोग, और हमारे मेरे मायके में खाया जाएगा आज बिना तड़के वाला दाल के साथ सारे सब्जी, इमली बहुत कुछ दे के खाते हैं। पर थैंक गॉड मेरा सिलेटी में मतलब शादी हुआ है, मुझे वो दाल कदे पसंद नहीं था, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। मैं अगर मुझे मिलता भी है खाने को तब भी नहीं मैंने खाती, मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन मैं मेरी शादी के पहले जब वो बनाया जाता था हमारे आसपास में जो लोग सिलेटी लोग थे बहुत लोग मांग के भी खाते थे, किसी किसी को मम्मी देती भी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता। अरे ये आजकल ताज़ा पीता है, ताज़ा ताज़ा वो भी ठंडा ठंडा फ्रिज का, रखो इसको बसो। सो चलिए खाना बना दिया, अभी तो कुछ काम नहीं, दादी भी सो रही है, दादी के कमर में थोड़ा सा दर्द है शायद, तो खाना बनाएंगे इससे बोरिंग दे। आज काफ़ी महीनों बाद मैं ऊपर छत पे आई हूँ, तो मम्मी ने कुछ कपड़े इनके लेट से धोए थे, छत पे देने आई थी। तो चलिए अंधेरा होने वाला है, घर पे पूजा भी करनी है, तो फटाफट से कपड़े लेके नीचे चलते हैं। But you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now. ठीक क्या आते बाहर, क्या क्या कौन क्या कर रहा है? पढ़ाई हो रही है, दादी यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही है, और ये हम लोग गए थे सब्जी लाने यहाँ पे, सब्जी
इसलिए मैंने चेंज किया था, मैं ये पहन के गई थी। और ये देखिए फिर से कपड़े निकल गए। मम्मी रोज कपड़े धोती है, रोज से खाया गया है मैगी, बच्चों ने खाया और भाई ने खाया। और ये है माइटर क्या हुआ बांग्लाते फूड नाना है कलरफुल मोचा सॉरी है मोचा हाँ एक्चुअली इसको हम लोग हमारे घर में बोलते हैं सूर और शुद्ध बंगाली में बोलते हैं कॉलर मोचा। तो भाई कल लेके आया था तो दादी ने काट के दिया था, अब भी बनेगा ये मम्मी बनाएंगी अभी। और दोपहर का कुछ भी नहीं है शायद कि वो जुम्मा दाई यहाँ पे पीछे अभी बन रहा है दाई दाल तो मैं अभी पीऊंगी गाइस चाय, क्योंकि मैंने शाम को चाय नहीं पी है। सब लोगों ने लाल चाय मतलब ब्लैक टी पी है तो मैंने नहीं पी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ब्लैक टी। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक ए कप ऑफ टी फॉर माय गर्ल। एरा माँ दूध ना आए, दूध है ये वाला निकाय का दूध से देंगे एक तो आते हैं वो जिसके मिले लाई। तो गाय का दूध मिला के पियेंगे अभी चाय। चाय नहीं पी ना इसलिए आज मुझे बहुत ज़्यादा कैसा लग रहा है पता नहीं, मुझे सडनली अभी सुबह को नहाया ना इसलिए शायद मुझे अभी लगी है जुकाम। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए सास ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। मलाई मलाई अगर चाय के ऊपर में पड़ती है तो अच्छा लगता है, पर मलाई के साथ चाय पत्ती को अगर उबालेंगे तो मलाई का नामो निशान नहीं रहेगा। सो मलाई उससे अच्छा है मैं ही खा जाऊं, तो मैंने खा लिया। एक कप दूध में जाएगा पत्ती, एक चम्मच डब्बा, कितना अच्छा लग रहा है। और रहेगा इसमें दूध हो जाएगा कप में। और गाइस आप लोगों में से कौन कौन मैगी को नॉन वेज मानता है, हम लोग तो वेज मानते हैं, इसलिए आज के दिन भी मैगी जिंदाबाद, मैगी जिंदाबाद था, मैगी जिंदाबाद है, मैगी जिंदाबाद रहेगा। চোর তো 20 টাকা তো আনল দাদে 17 টাকা দাদে সেই চাই থেকে জাদা হয়ে গিয়ে ইসলে মানে দাদি কো থোড়া সা দে দিয়া হে এসে দাদি দুধ চা পিতে নেই চলো দাদি চাই পিতে সিস্টার वाले अच्छे है इसलिए दीज का पान 18-19 ऐसे करके देता है বুঝছো শিলচরের মানুষ বার আয় তাহলে 18টা 19 টা পাবে না ও জামানি দেন আমি কাছে যাও একটা আছে তো নিচে তোমার তাহলে একটা কেন পড়বে আজকে কি তোমার কামের কাছে নিয়ে যাও মেরে কো কেক के घुमाने को ले जाओ रे
আবার কম কি দা কইছো তো কালা দিদা আমি এরা কইছি আমার গুড়াত লয়ে যাও গুনা নক তুমি তো খালা আচ্ছা দিদা তো পরিষ্কার দিদারে লয়ে যাও হ্যাঁ লক্ষ্মীটাকে বারো মাস বুঝছো খালায় দলায় গৃহবাস লক্ষ্মীটাকে বারো মাস ডিনার ফুল আলু ফ্রাই আর হবে দাল মুসুর দাল क्योंकि मूंग दाल खाने से भाई और इनको बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है सो इसलिए अभी रात के लिए मूंग दाल बनाया गया है अगर प्रॉब्लम है तो आप लोगों को समझ के करना पड़ेगा हर एक का घर का अलग होता है और मेरे हस्बैंड को हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो एक टाइम दोपहर को उन्होंने थोड़ा सा मूंग दाल खा लिया अभी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा गैस हो जाएगा ऊपर से पूरा वेज नॉन मतलब वेज वो खा ही नहीं सकते अच्छा बनाया मम्मी भी आ रही है तो बाद में मैं और मम्मी खाएंगे बाकी सबका हो गया है डिनर डाटा देना कितना करते हो फूलकोपी आनती लम जो लोकल फूलकोपी डाटा देना कितना करते हो और डाटा डाटा खाते खाते दिए शुरू कर मुझे डाटा दिया পরিষ্কার করবা তিনোটা খাটি লিও খাইতে দিলাইও আলাদা কি করছো বলবো এগুলো জায়গায় রাখতে হয় তাই না বিশ টাকার তো আনতে পারলাম নে তুমি কি খাই মুখ দেখে মুখ দেখে গীতা মুখ দেখে গীতা মুখ প্লাস্টিক কেনে মুখ প্লাস্টিক কেনে মুখ মুখ প্লাস্টিক কেনে আবার দিছে আবার দিছে দেখি পূজার পূজার ড্রেস নাকি চুপ দাও চলো গুড নাইট বম্মাকে বলো গুড নাইট ওই আরে এইটা আর যে পুরো করতে লাগতো কালকে সকালে করবো যখন পূজা বাড়ির দিব আরে বিচে একটা আছে আর পড়েও না এটা লাগবে না রিও কালকে পূজা দেখতে যাবো রাখো আছে আছে ওই যে চলো রাখো বলো আরে কালকে পড়বে পূজা দেখতে যখন যাব তো গাইস খানা পিনা সব কিছু হয়ে গিয়া হে और अभी टाइम कितना हो रहा है 11 थोड़ा लेट हो गया अभी रियो को सिलाएंगे उसके बाद मैं सोऊंगी और ये आज थोड़ा सा लेट आएंगे बोल के गए हैं 12:30 एक बज सकता है
डिनर करके भी आ सकते हैं या फिर घर पे भी कर सकते हैं। तो घर पे भी खाना बना हुआ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सो अभी मैं चल रही हूँ सोने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोग के पास ही पहुँचे। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना रखती हूँ, और मिलती हूँ कल और एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। कल ब्लॉग तो इंटरेस्टिंग होगा, कल कोई आने वाला है घर पे, वो मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगी। चलिए गुड नाइट एंड टाटा।